हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीडू के प्रेडिक्शन। तो गाइस कैसे हो आप, सब उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले पाकिस्तान सुपर लीग 2023 के 20 T20 मैच के बारे में। दूसरे मैच होने वाला है लाहौर कलंदर्स और मुल्तान सुल्तान के बीच में। दोस्तों अगर मैच की पूरी अपडेट है तो वीडियो को लास्ट तक बने रहें, और आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करते चले ताकि हर वीडियो की जानकारी आपको पूरी मिलती रहे। तो आगे बढ़ते हैं मैच की ओर। यह मैच होने वाला है 4 मार्च को इंडिया टाइम के साथ शाम के 7:30 पर यह मैच स्टार्ट होगी। यह मैच खेली जाएगी गद्दाफी स्टेडियम लाहौर पाकिस्तान में। आप बात करते हैं फ्रेंड दोनों टीमों का टीम फॉर्म चेक करते हैं। रिसेंटली अगर 5 मैच में देखें तो दोनों का परफॉर्मेंस क्या देखने को मिल रहा है। तो पहली टीम लाहौर कलंदर्स की बात करें तो जहां 5 मैच से 4 मैच जीत के आ रही है तो 1 मैच हार के आ रही है। वहीं अगर दूसरी टीम मुल्तान सुल्तान की बात करें तो मुल्तान सुल्तान का भी लगभग इक्वल परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। 5 मैच में से 4 मैच जीत के आ रही है और 1 मैच हार के आ रही है। तो ये रहे दोनों टीमों का टीम फॉर्म। वहीं अगर बात करें दोनों टीमों का हेड टू हेड चेक करें लास्ट 10 मैचेज में तो जहाँ पे लाहौर कलंदर 4-5 मैच जीत के आ रही है तो वहीं मुल्तान सुल्तान भी 5 मैच जीत के आ रही है। अगर हेड टू हेड की बात करें तो यहाँ पे भी लगभग दोनों का इक्वल परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। और तो फ्रेंड ज्यादा देर ना करते हुए दोनों टीमों का टीम कंपेरिजन करते हैं लास्ट 10 मैचेज में क्या क्या एक्सपेक्टेशन देखने को मिल सकते हैं। तो पहली कंपेरिजन विनिंग परसेंटेज की बात करें तो जहाँ पे लाहौर कलंदर्स का 70% देखने को मिल रहा है तो वहीं मुल्तान सुल्तान का भी 70% देखने को मिल रहा है। एवे स्कोर की बात करें तो लाहौर कलंदर्स का 172 है तो वहीं मुल्तान सुल्तान का 163 है। हाईएस्ट स्कोर की बात करें तो लाहौर कलंदर का 241 है तो वहीं मुल्तान सुल्तान का 245 है। लोएस्ट स्कोर की बात करें तो लाहौर कलंदर का 118 तो वहीं मुल्तान सुल्तान का 101 है। तो ये रहे दोनों टीमों का टीम कंपेरिजन। अगर इसके अकॉर्डिंग बात करें तो यहाँ पे भी लगभग दोनों का इक्वल परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। वहीं अगर बात करें चलते हैं वेदर की ओर, आज का मैच वेदर कैसी रहेगी तो मोस्टली क्लाउडी देखने को मिल सकती है। वहीं अगर ह्यूमिडिटी की बात करें तो 63% देखने को मिलेगी, वहीं 2% वर्षा होने की चांसेस रहेगी। अगर सेल्सियस की बात करें तो यहाँ पे 19.5 डिग्री सेल्सियस होने वाला है। तो ये रहे वेदर की रिपोर्ट। अब आगे बढ़ते हैं चलते हैं पिच की ओर, आज का मैच इस पिच पे कैसा होने वाला है। तो इस पिच का फर्स्ट बैटिंग एवरेज स्कोर की बात करें तो 180 रन लग सकते हैं। वही अगर सेकेंड इनिंग में देखें तो सेकेंड इनिंग में 150 रन लगने की संभावना है। इस पिच पे अभी तक टोटल 23 मैच खेले गए हैं जो हर एक मैच काफ़ी ज़बरदस्त हुई है। अगर इस पिच की सरफेस की बात करें तो यहाँ पे डिफेंड करने वाली टीम को ज़्यादा सपोर्ट मिल सकती है, वहीं चेस करने के वाली टीम को यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, क्योंकि जितने भी मैच हुए हैं इस पिच पे अधिकतर मैच डिफेंड में टीम जीती है। तो ज़्यादातर टीम के लिए प्लस पॉइंट बेटर रहेगी कि टॉस जीत के बैटिंग करे, क्योंकि डिफेंड में रन स्कोर काफ़ी अच्छे लग सकते हैं। अगर चेस करने वाली टीम की बात करें तो यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। तो ये रहे पिच की रिपोर्ट। वहीं अगर बात करें दोनों टीमों का परफॉर्मेंस देखते हैं तो पहली टीम लाहौर कलंदर्स की बात करें, नो डाउट काफ़ी ज़बरदस्त टीम है, पूरी तरह फॉर्म में आ चुकी है। वहीं बैटिंग लाइनअप और बॉलिंग लाइनअप देखें तो दोनों का कम्बिनेशन ज़बरदस्त देखने को मिल रहा है। अगर पॉइंट टेबल की बात करें तो पॉइंट टेबल में सबसे नंबर 1 पर जाके स्टेबल है। वहीं अगर दूसरी टीम मुल्तान सुल्तान की बात करें, नो डाउट ये भी टीम काफ़ी ज़बरदस्त है, बैटिंग लाइनअप और बॉलिंग लाइनअप देखें तो दोनों का कम्बिनेशन ज़बरदस्त देखने को मिल सकता है। तो दोनों टीम एक दूसरे को काफ़ी अच्छा ओपोनेंट के साथ खेल सकते हैं, क्योंकि दोनों टीम स्ट्रांग है। तो दोनों के बीच में मैच काफ़ी इंटरेस्टिंग और ज़बरदस्त भी होगा, और जैकपॉट होने की भी संभावना है इस मैच में, तो आप लोग जोर देखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं, एक्सपेक्टेड है कि विकेट बॉलर्स के फेवर में रहेंगे, वहीं बैटर्स स्ट्रगल करेंगे वेरिएबल बाउंस पे। दोनों टीमों के की प्लेयर्स की बात करते हैं तो पहली टीम लाहौर कलंदर्स के की प्लेयर की बात करें तो फखर जमान, सिकंदर राजा, डेविड वाइस, शहीन अफरीदी। वहीं दूसरी टीम मुल्तान सुल्तान के की प्लेयर की बात करें तो मोहम्मद रिजवान, खुशदिल शाह, अकील हुसैन, डेविड मिलर। ये रहे दोनों टीमों की प्लेयर जो आज के मैच में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, हमने अभी सारी बात डिस्कस कर ली, अब चलते हैं विनर की ओर। देखा जाए तो स्टैटिक्स को मद्देनजर रखते हुए मुल्तान सुल्तान हमारे हिसाब से स्ट्रांग टीम है, मैच जीतने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रखता है। तो आप लोगों को क्या लगता है अपने व्यू को कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिएगा। और जाने से पहले दोस्तों लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, बने रहिए हमारे चैनल के साथ। ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।